हेलो फ्रेंड, मैं हूँ घासी। आप देख रहे हैं क्विक मोबाइल रिपेयर। दोस्तों, आज सैमसंग 310 का चार्जिंग सलूशन करते हैं। दोस्तों, चार्जर कनेक्ट करने से चार्जिंग शो करता है डिस्प्ले में और उसका प्रॉपर चार्ज हो नहीं पाता है। दोस्तों, इसका कारण क्या है, सेट खुल के आपको तो ये ज़्यादातर वाटर डैमेज के कारण ही ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहा है वर्कशॉप में। दोस्तों, अभी चार्जिंग कनेक्टर में प्लगिंग कर दिए हैं, देखते हैं उसका वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं बैटरी टर्मिनल पे। दोस्तों, चार्जिंग कनेक्टर में कितना वोल्ट शो कर रहा है अभी देखेंगे। देखिए दोस्तों, चार्जिंग कनेक्टर में लगभग 5 वोल्ट शो कर रहा है, 5.36 लगभग 5 वोल्ट शो कर रहा है। उसका बैटरी कनेक्टर में देखते हैं दोस्तों, ये देखिए वोल्टेज लो आ रहा है 1.92, ये लगभग 4 वोल्ट आना चाहिए। 3.5-4 वोल्ट नहीं आने से प्रॉपर चार्ज नहीं करता, ये आईसी ख़राब रहता है। दोस्तों, वाटर डैमेज के कारण ये आईसी ख़राब रहता है। तो इसको हम रिमूव करते देखते हैं इसका कंडीशन, अंदर का कंडीशन क्या है। ये ज़्यादातर पानी जाने से वो अंदर से फायरिंग हो जाता है। हमने वर्कशॉप में जितना भी पाया है वर्कशॉप में, ये ज़्यादातर वाटर डैमेज के कारण ख़राब रहता है। उसका लैग सल्फाइड होकर फायर हो जाता है। तो उसको खुल के हम लोग रिपेयर करते हैं, देखते हैं दोस्तों इसका प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों, ये हटगन के माध्यम से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं उसका प्रॉब्लम है क्या। दोस्तों, ये ओपन हो गया है। दोस्तों, देखिए आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये क्लोजअप में आपको दिखा दे रहा हूँ उसका प्रॉब्लम है क्या। देखिए, एक इसका लैग फायर हो गया है। दोस्तों, इसको एक काम कीजिए, ब्लेड से इसको साफ़ कीजिए, लैग को साफ़ कीजिए। यहीं से आयरन पेस्ट थोड़ा लगा के आयरन से उसका एक लैग बनाइए। वहाँ पर जो ट्वीज़र में दिखा रहा हूँ आपको, एक टूटा हुआ है। उसके बाद पीसीबी को थोड़ा साफ़ कीजिए और वहाँ पर फिर दोबारा इसको फिट कर दीजिए। होटगन के माध्यम से वो सही होने लगता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारा वर्कशॉप में आया है ये प्रॉब्लम कि हमने ज़्यादातर प्रॉब्लम ये इस हिसाब से हम सॉल्व किए हैं। दोस्तों, तो आपको भी ये फार्मूला काम आएगा। दोस्तों, अब हटगन के माध्यम से उसको सही सलामत सही ढंग से उसको बिठा देते हैं। दोस्तों, ये हिसाब से खुद का हिसाब से गर्म रखना है आयरन को, नहीं तो ज़्यादा गर्म होने से पीसीबी ख़राब हो सकता है। दोस्तों, तो इस हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको किस हिसाब से एयर करना है, हार्ड करना है, इस हिसाब से आप काम करेंगे। दोस्तों, तो अभी हो गया है, आईसी लग गया है। अभी चार्जिंग प्लग करके देखते हैं उसका सलूशन कितना हुआ है, वोल्टेज कितना निकल रहा है बैटरी टर्मिनल पे। देखिए दोस्तों, ये तो सेम वोल्ट निकल रहा है, 5.3839। देखिए दोस्तों, ये बैटरी प्रॉब्लम बैटरी टर्मिनल में आ गया है, 4.12 लगभग 4 वोल्ट आ गया है। दोस्तों, अभी ये प्रॉपरली चार्ज होगा, इसका मतलब आईसी में ख़राब था, इस हिसाब से आपको रिपेयर करना है। दोस्तों, अब दोस्तों ये डेड, ये तो ऐसे ही चालू हो रहा था, उसको देखते हैं आईसी ख़राब खोलने से प्रॉब्लम रहता है, चार्जिंग शो कर रहा है कि नहीं। दोस्तों देख लेते हैं इसका चार्जिंग शो कर रहा है कि नहीं। ज़्यादातर चार्जिंग कनेक्टर खोलने से शो नहीं करता है। दोस्तों, एक बार इसको चेक कर लेते हैं।